देखो भाइयों, जब भी बात आती है स्मार्ट दिखने की, स्टाइलिश दिखने की, तो इंडिया में ना आज भी काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी स्किन का कलर गोरा है तो आप अच्छे दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे। बट अगर आपकी स्किन का कलर गोरा नहीं है तो आप अच्छे नहीं दिख सकते। और ये आप लोग मानते हो उन ब्रिटिशर्स की वजह से, उन्होंने हमारे दिमाग में, हमारे कल्चर में डाल दिया है कि व्हाइट स्किन इज गुड। और भाइयों, मेरा मानना है कि स्मार्ट दिखने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए ना तो आपका स्किन कलर मैटर करता है और ना ही बहुत ज्यादा पैसा। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये दो चीजें मैटर करती है, पहला है ड्रेसिंग सेंस और दूसरा है फिटनेस। देखो भाइयों, आपको ना टाइम टू टाइम फैशन के बारे में, ड्रेसिंग सेंस के बारे में सीखना भी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि कौन सी चीजें अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। मतलब कि कुछ स्टाइल एलिमेंट्स ना अब फैशन से बाहर जा चुके हैं, अब आपको उन्हें नहीं पहनना है। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको फैशन के बारे में, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भाई मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप हमारी फैशन प्लेलिस्ट जरूर से चेक करना, बिकॉज उन वीडियोज में मैंने आपको बेसिक फैशन रूल्स सिखाए हैं और इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस फैशन रूल सीखने वाले हैं। और वीडियो की एंड में एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि लोग आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे। तो भाइयों, आपके कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो आप लोग, जब भी किसी फैशनेबल मैन या किसी स्टाइलिश बंदे को देखते हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई मॉडल या कोई एक्टर हो, तो आप लोग सोचते होंगे कि यार ये लोग हमेशा स्टाइलिश दिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी फैशनेबल बंदों में एक चीज कॉमन होती है कि ये लोग हमेशा वेल ड्रेस रहते हैं, बिकॉज इनकी सिर्फ एक आउटफिट अच्छी नहीं होती, इनका पूरा वार्डरोब अच्छा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनके पास बहुत पैसा है इसलिए? नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये लोग ना क्लासिक ड्रेसिंग रूल्स पर फोकस करते हैं। ये लोग सिंपल और क्लासिक कपड़े पहनते हैं पर उनको परफेक्ट फिटिंग और राइट कॉम्बिनेशन के साथ पहनते हैं। इसलिए आपको हमेशा सिंपल और क्लासिक कपड़े पहनने चाहिए राइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में सीखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, एक टाइम था जब लोग टाइट फिटेड कलर टी शर्ट पहनते थे और बहुत कूल दिखते थे, बट अब ये फैशन ट्रेंड जा चुका है। अब 2023 में अगर आपको कोई कलर टी शर्ट पहननी है तो आपको पहनने चाहिए ओवर साइज टी शर्ट इस टाइप के। देखो आजकल ना दुनिया भर में लूज क्लोथ्स का ट्रेंड चल रहा है। अब मैंने कहा कि लूज क्लोथ्स का जमाना चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे ही कपड़े लूज पहनने हैं। ये लूज क्लोथ्स पहनने का रूल बस कुछ क्लोथिंग आइटम्स पर ही अप्लाई होता है, लाइक ओवर साइज टी शर्ट, इस टाइप की ढीली ढाली बेगी जींस और हल्का लूज प्रिंटेड शर्ट। और मैं बता दूं, ये सारे लूज क्लोथ्स एवरीडे कैजुअल वेयर के हिसाब से हैं। मतलब कि आपको इन कपड़ों को किसी स्पेशल ओकेजन या फॉर्मल ओकेजन में नहीं पहनना है। बट अगर बात करें फॉर्मल ड्रेस की, तो आप लोग जब भी किसी स्पेशल ओकेजन में फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हो तो ये सिंपल रूल जरूर फॉलो करना। पहला रूल है मैच योर लेदर्स, मतलब कि आप अपनी फॉर्मल आउटफिट में अपने लेदर मटेरियल की चीजों को सेम कलर की पहनोगे। मतलब कि आपकी वॉच, आपके शू और आपका बेल्ट सेम कलर का होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी छोटी छोटी चीजों पर कौन ध्यान देता है, बट अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो मेरा मानना है कि आप लोग को ना टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करना चाहिए, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। देखो अक्सर लोग ना बहुत सेफ ड्रेस करते हैं, हम वही नॉर्मल जींस शर्ट टी शर्ट या फॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हैं वही बेसिक कलर्स में, पर आपको ना कुछ नया पहनना चाहिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपने कपड़ों के साथ। अब वो कैसे कर सकते हो? देखो आप लोग अभी तक यही नॉर्मल हाफ स्लीव या फुल स्लीव टी शर्ट पहनते आए हैं, तो इनको रिप्लेस करके ओवर साइज टी शर्ट ट्राई करो। और एवरीडे कैजुअल वेयर के हिसाब से आप सिंपल जींस की जगह कार्गो पैंट्स या जोगर्स पहनो, वही स्लिम फिट जींस को रिप्लेस करके कभी बेगी जींस ट्राई करो। और आपके पास अभी तक कोई फॉर्मल सूट नहीं है तो एक फॉर्मल सूट बनवाओ और शादी पार्टी में उसे पहनो। और अगर आपने अभी तक कोई डिस्ट्रेस्ड जींस नहीं पहनी है तो वो पहनो और एकदम बेड बॉय वाला लुक बनाओ, कपड़ों को लेयर करके पहनो। मेरी मानो तो आप लोग ब्लैक और व्हाइट कलर के हाफ स्लीव वाले टी शर्ट खरीद लो। अब इन टी शर्ट के साथ आप कुछ भी लेयर कर सकते हो, चाहे वो डेनिम जैकेट हो, बॉम्बर जैकेट हो, फॉर्मल सूट हो या फिर कोई शर्ट की लेयरिंग हो। तो इस तरह से आप लोगों से कुछ डिफरेंट पहनोगे और अलग दिखोगे। देखो मेरा ये भी मानना है कि 16 से 22 तक की एज, यही वो टाइम है जब आप कुछ भी पहन सकते हो अपनी मर्जी से। यही वो टाइम है जब आप लोगों को अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी फैशन सेंस दिखा सकते हो। क्योंकि एक टाइम के बाद ना आप कुछ नया पहनने से पहले 100 बार सोचोगे कि यार लोग क्या सोचेंगे। तो अपने कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करो और कुछ नया पहनो। और ध्यान रहे, आप लोग जब भी शॉपिंग के लिए जाओ तो किसी ऐसे बंदे को साथ ले जाओ जिसको कलर कॉम्बिनेशन और फैशन की थोड़ी नॉलेज है, वरना पता चला एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आप कोई छपरी बन के घर आ गए। फैशन, ड्रेसिंग सेंस और कलर कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से सीखने के लिए आप हमारी फैशन प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब कुछ नया पहनने की बात चली ही रही है तो हमें जूतों की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी आउटफिट में जूतों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो शूज में आप लोग चेल्सी बूट्स ट्राई कर सकते हो, ये बहुत
बहुत ही ज्यादा क्लासी और मेनली लुक देंगे आपको। इसके अलावा आप लोग लोफर्स को रिप्लेस करके फॉर्मल शूज पहन सकते हो, जैसे कि मंगस्ट्रेप फॉर्मल शूज। देखो मैं आपको जितने भी क्लोथिंग आइटम्स बता रहा हूँ इनकी बेस्ट परचेसिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। देखो बहुत से लोगों की सोच रहती है कि अगर आपके पास पैसा है और बॉडी है तो यू डोंट नीड नो फैशन, बट मेरा मानना है कि अच्छी ड्रेसिंग के लिए ना तो आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए पर हाँ बॉडी जरूर चाहिए। अगर आपकी बॉडी मस्त है तो आपको कुछ भी सूट करेगा, ये कड़वा सत्य है। अब मैंने बॉडी का बोल दिया तो आप लोग डरना मत कि यार मेरी तो बॉडी नहीं है, ऐसी बॉडी मैं कब बनाऊंगा, मैं स्टाइलिश नहीं दिखूंगा। देखो मेरे भाई आपको ऐसी प्रोफेशनल बॉडी नहीं बनानी है, मैं समझाता हूँ करना क्या है। स्टार्ट योर फिटनेस रूटीन अकॉर्डिंग टू योर हाइट। हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। मैं नहीं दिखाऊंगा। देखो अगर आपको अपने फैशन के गेम को बढ़ाना है तो आपको अपनी हाइट को समझना चाहिए। देखो मोस्टली इंडियन लड़कों की हाइट ना थोड़ी सी कम होती है, तो अगर आपकी हाइट 5.8 5.9 से कम है तो यू ट्राई मेंटेन अ लीनर फिजिक। अब इसका मतलब क्या है? लीनर फिजिक का मतलब है इस टाइप की बॉडी, मतलब कि आपकी बॉडी बस एक परफेक्ट शेप में होगी। बिकॉज जितनी ज्यादा आपकी बॉडी लीन होगी मतलब कि आप पतले रहोगे पर आपकी बॉडी शेप में रहेगी, तो इस लीन बॉडी की वजह से आपकी हाइट ना थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी और आप दिखने में अच्छे दिखोगे एज कम्पेयर टू चबी गाइज। और अगर आपकी हाइट 5.9 से ज्यादा है तो यू ट्राई बल्किंग अप, बिकॉज आप उस बल्क को एफोर्ड कर सकते हो आपकी हाइट को देखकर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी हाइट 5.9 से ज्यादा है तो आप बल्क कर सकते हो, मतलब कि आप वेट गेन कर सकते हो, क्योंकि आप लंबे हो, आपकी हाइट की वजह से अगर आप थोड़ी सी बॉडी बना भी लोगे तो आप अच्छे दिखोगे। बट अगर आपकी हाइट कम है तो आपको ज्यादा बॉडी बनानी नहीं चाहिए, मतलब कि आपको लीन फिजिक मेंटेन करनी चाहिए। और अगर आपकी हाइट ज्यादा है और आप वेट गेन करना चाहते हो तो वेट गेन के ऊपर मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो एक बार जरूर से चेकआउट करना। लास्ट पॉइंट है मेंटेन क्लीनलीनेस। देखो आपको ना ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ अपने क्लीनलीनेस को भी मेंटेन रखना चाहिए, जैसे कि अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना, जिन कपड़ों पे सल पड़ रहे हैं उन पे हमेशा आयरन करके पहनना, रेगुलर नहाना और अपने ओरल हाइजीन पर ध्यान देना, अपने फेशियल हेयर को मेंटेन रखना और टाइम टू टाइम एक प्रॉपर हेयर कट कराना, और एक अच्छा परफ्यूम यूज करना जिससे कि आप अच्छा स्मेल करो। कुछ बजट परफ्यूम्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए एक बोनस पॉइंट है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोग आपको कब कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, मतलब कि कौन से कलर के कपड़ों में लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि यार आज तो कतई बवाल लग रहे हो। और हाँ कॉम्प्लीमेंट्स में भी आपके साथ स्कैम हो सकता है, जो लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं उन पे ध्यान नहीं देना है, जो पर्सन एक्चुअल में आपकी तारीफ कर रहा है उस पे ध्यान देना है। मान लो आपने कोई ब्लैक कलर की शर्ट पहनी, तब किसी ने कहा कि यार ब्लैक कलर की शर्ट तेरे पे मस्त लग रही है, तो मान लो कभी आपको डेनिम जैकेट खरीदना है तो आपको सबसे पहले ब्लैक कलर का डेनिम जैकेट लेना है। आप कोई सूट बनवा रहे हो तो आपको सबसे पहले ब्लैक कलर का सूट बनवाना है, क्योंकि ब्लैक कलर आप पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब ऐसा मत करना कि आप सारे ही कपड़े ब्लैक ले लो, पता चला कबर्ड खोला और सब तरफ ब्लैक 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 ब्लैक, तो इस बात का ध्यान रखना। तो भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है। और आप लोग ऐसी ही और भी वीडियोस देखकर खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।